ऑल राइट, हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब इसमें भी बहुत सारे करेंगे। चलिए आप देखिए, वॉज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक, हु हैड टू फेस द फेस द म्यूजिक, मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, किसी का सामना करना। वॉज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक, वॉज इट गलत, वॉट इज गलत हेयर? मैंने बताया था वॉज क्या है, बी वर्ब का वेरिएशन है, और ये हमेशा अपने साथ सब्जेक्टिव केस लेके आती है। और ये क्या है, मी, मी तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, गुनाहे कबीरा हो गया, वॉज इट आई हो जाएगा, वॉज इट आई। अब जरूरी थोड़ी, आप ये देखिए, इट वॉज आई, इट वॉज आई, तो इसको मैं पहले भी तो लिख सकता हूँ, वॉज इट आई ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि वॉज क्या है, बी वर्ब का वेरिएशन है, वो अपने साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस लेके आती है। बाकी दूसरी वर्ब रिफ्लेक्सिव केसेस भी ला सकती हैं और ऑब्जेक्टिव भी ला सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। लेकिन बी वर्ब हमेशा क्या लेके आएगी, सब्जेक्टिव केस। तो वॉज इट मी ना होके वॉज इट आई हु हैड टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंस, किसी का सामना करना किसी निगेटिव सेंस में, ठीक है। अच्छा मैं और देख लेता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन। Our dog may look fierce. Our dog may look fierce, but it would not kill a fly. What is galat? Our dog may look fierce, but it would not kill a fly. देखो may model है, model के साथ be one form आ गई है, ठीक है। Subject हो गया may look fierce, but it would not fly. क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकल एरर कोई नहीं है, नो एरर वाली कंडीशन है। देखो इट हमने किसके लिए यूज़ किया है, डॉग के लिए, मैंने बताया ना लोअर एनिमल्स के लिए आपको इट का यूज़ करना है। अगर हाँ, अगर यहाँ पे दैट होता तब ये गलती हो जाती, लेकिन दैट तो मैंने लिखा ही नहीं है, लिखा तो इट था, तो ये नो एरर कंडीशन है, ठीक है। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स, अब आप ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स, of the present politicians is worth seeing, of the present politician is worth seeing. Remember see is a स्टैटिव वर्ब, आई एन जी फॉर्म नहीं होती है, लेकिन स्टैटिव वर्ब में मैंने बताया था कि स्टैटिव वर्ब को एज ए मेन वर्ब आई एन जी फॉर्म नहीं होती है, वहां पर उनकी जेरेंडियल फॉर्म तो हो सकती है, तो यहां पर सीइंग एज ए जेरेंड यूज हुआ है, दो तो सी इज स्टैटिव वर्ब, इसकी आई एन जी फॉर्म नहीं हो सकती, ही इज सीइंग,
ही इज सीइंग मी, ये गलत हो जाएगा, गुनाह कबीरा। सीइंग इज केयरिंग, ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे सीइंग मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती मेन वर्ब में, ठीक है। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स व्हिच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग, ठीक है। चलिए आप इस पे वो कर देते हैं, चल मैंने ऐसी लगा दिया, क्या है क्या गलती है? एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, गलती इज हेयर। मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में बताया था यहां टू है और एनी का मतलब क्या होता है, मैनी अपॉन मैनी पॉजिटिव सेंस में, अब यहां क्या आएगा जल्दी से बताइए, ये और यहां पे तो टू है, पॉजिटिव सेंस में नाइदर तो नहीं ला सकते क्योंकि कोई नो निगेशन की बात नहीं हो रही है, एनी की जगह ईदर आ जाएगा, ईदर ऑफ द टू पिक्चर, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में दो में से एक के लिए ईदर, ठीक है। ईदर वन अपॉन टू बताया था मैंने, और यहां पर देखो टू पिक्चर्स हैं, टू पिक्चर्स हैं, और जब दो पिक्चर्स हैं कोई निगेशन की बात नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको और एक का यूज करना है तो इधर आ जाएगा, और बोथ ऑफ द टू पिक्चर्स नहीं हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज फिर हो जाता है यहां पर, ठीक है। सो एक ये हो गया, मैं अभी और लिखता हूं, हर केस से हम एक एक कर ले, दो दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उस सब हो जाए। We must take regular exercise to keep ourselves fit. देखिए, we must take regular exercise to keep ourselves fit. वी क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल रिफ्लेक्सिव केस लाना पड़ेगा। अब यहां पर पहले तो ये बताइए, ये तो गलत है, चलिए गलत तो हो गया क्योंकि वी प्लूरल है और मैंने बताया था सेल्फ सिंगुलर के लिए आता है, आवर सेल्फ हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, यहां वाला आवर सेल्फ जो कि रिफ्लेक्सिव केस है क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? मेरी तो चार आंखें हैं, मैं तो देख के बता दूंगा कि वर्ब ये की वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद तो रिफ्लेक्सिव केसेस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव केसेस आ सकते हैं। अब यहां पर अवर सेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब क्या तो रिफ्लेक्सिव केसेस आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें क्योंकि एक्शन खुद वापस हो रहा है ना हम पे, और एम्फेटिक प्रोनाउंस तो वर्ब के बाद आ ही नहीं सकते, अगर वर्ब के बाद आ जाएंगे तो वो एम्फेटिक कहां रहेंगे? द पुअर मैन पॉइजन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड His family. Very महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण। The poor man poisoned him and his family. What is गलत? कुछ गलत नहीं है। The poor man subject हो गया, माशाल्लाह, poisoned verb हो गई, verb के बाद तो आते हैं objective cases और he का objective cases ही हो, him हो जाता है and his family. कितना सही है, ये गुनाह कबीरा है, उसने खुद को जहर दिया,
ठीक है। अब ये नहीं कि ये कॉमन सेंस कोई मत लगा लेना कि पहले खुद को जहर देगा दूसरों को कैसे देगा। ऑब्वियसली बात है, पहले अपने घर वालों को दे दिया और फिर खुद जहर खा लिया होगा। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज फैमिली, तो पहले घर वालों को देगा तभी तो घर वाले मरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइजनिंग का काम है, असर आदमी पे वापस जा रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक। सो अब इस केस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं ला सकते आप। द पुअर मैन पॉइजंड हिमसेल्फ, खुद को किया है उसने, एंड हिज फैमिली। अब देखिए बिल्कुल ठीक आ गया। सो पहले उसने फैमिली को दिया था खुद, सेंस यही है, ठीक है, वो ग्रामर में लिख दे रहे हैं। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, सो अपनी फैमिली को पॉइजन कर दिया और खुद हो गया। सो अब रिफ्लेक्शन खुद वापस सब्जेक्ट तक आ रहा है, पुअर मैन तक जहर खाओगे, ठीक है, तो आप तो खुद ही मरोगे ना, कोई दूसरा थोड़ी मरेगा, किसी के भी यादों में अगर मरोगे तो जहर खा के, तो किसी दूसरे पर तो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने तो दूसरों को भी मार दिया, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। सो वहाँ पर रिफ्लेक्शन वापस आ गया सब्जेक्ट तक, तो अब रिफ्लेक्सिव केस का आपको यूज़ करना है, ठीक है। ऑल राइट, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड। सरप्राइज थोड़ा पॉजिटिव वे में और शॉक इसका नेगेटिव, ठीक है। अब शॉक टू नो कि तुम फेल हो गए, ठीक है, अगर सरप्राइज कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ गई। सो ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, ठीक, आगे ऐसे ऐसे ऐड कर दिया मैंने, पूरा लिख देता हूँ। टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स हिम, लिख देता हूँ, टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस, he was much more surprised than me to see the dancing girls coming towards her, towards us. मैंने बहुत सारी passing बता भी दी है कि किस तरीके से करना है, subject object एक बार आप देख सकते हैं, adverb भी पढ़ा दिया तो अब आप पहचान सकते हैं। देखिए चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, subject हो गया, verb हो गई much more, adverb हो जाएगा, ये verb हो गई, ठीक है, फिर then मी, ये देखिए यू आर बेटर देन मी, बेटर देन आई, मैंने आपको पढ़ाया था अमेरिकन्स बेटर देन आई बोलते मी बोलते हैं, क्यों, दे ट्रीट देन एज अ प्रीपोजिशन, और हम मजबूरी में अंग्रेजों की वजह से बेटर देन फॉर्मल इंग्लिश में, कंपिटेटिव इंग्लिश में आई बोलना पड़ता है। सो और जब आई बोलेंगे तो देन को हम कंजंक्शन ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे बेटर देन मी नहीं, बेटर देन आई वाला केस, सो आई आ जाएगा। मच मोर सरप्राइज देन आई टू सी द डांसिंग गर्ल, डांसिंग यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, जेरंड होगा, ना 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 बिल्कुल जेरंड नहीं होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, और मैंने बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिवल नेचर शो करती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं, ठीक है। पार्सिंग भी हम सब एक बार पार्ट ऑफ स्पीच जब कंप्लीट कर लेंगे देन विल कम टू द पार्सिंग, पोस्टमार्टम आप कह सकते हो एक तरीके का एक सेंटेंस का कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ड किसी पार्टिकुलर सेंटेंस में बिलोंग करेगा, ठीक है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको जब ऑफलाइन क्लासेस में कि आपका नाम भी पर्सनल नाउन नहीं हो सकता, सेंटेंस में डिपेंड करता है, ठीक है। Me and my wife were not at home last night. Me and my wife were not at home last night. What is galat here? चलो यहाँ ऐसे कर देते हैं। कुछ याद आया, रूल टू
थ्री वन पॉजिटिविटी, न्यूट्रल सेंटेंसेस, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, रूल 1 2 3 नेगेटिविटी, न्यूट्रल सेंटेंसेस, प्लूरल सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन में सब। जस्ट मैंने टेबल बनवाने के बाद यही बताया था रूल 2 3 1 क्या बताया, अगर तुम्हारा नंबर आ जाए तो सबसे पहले हमें देना क्रेडिट, हालांकि तुम्हारा ही क्रेडिट है ठीक है, लेकिन तमीज तहरी तब दुन ये कहता है, फिर जो नहीं हो उसको फिर अपने आप को लेके आओ ठीक है। पॉजिटिविटी और न्यूट्रल सेंटेंसेस में भी आपको इस तरीके से, अगर न्यूट्रल सेंटेंस है और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तब भी 2 3 1 का करना है। चलिए, मी एंड माई वाइफ वर नॉट एट होम लास्ट नाइट, कोई भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको 2 बार 5 बार बता दिया है सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, एक न्यूट्रल सेंटेंस है मी एंड माई वाइफ, भाई आपकी एक ही वाइफ है ज्यादा नहीं है ठीक है, मोनोथीस मोनोगैमी है आप वाली कंडीशन में, मी एंड माई वाइफ वर नॉट एट होम लास्ट नाइट। चलो आपको ये तो दिख गया कि मी तो गलत है, सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती, आई हो जाएगा चलिए, एंड माई वाइफ, चलो माई वाइफ ये ठीक है, अब तो मी की जगह आई कर दूं ये ठीक हो जाएगा, गलती ए पार्ट में है। लेकिन और अच्छा कैसे बनेगा, न्यूट्रल सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो रूल 2 3 1 याद है आपको, माई वाइफ मीन्स पत्नी एंड आई, ये करेक्ट होगा, माई वाइफ एंड आई दोनों सिंगुलर हैं देख लीजिए ठीक है। अच्छा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार All right, the five brothers were at daggers drawn. Daggers drawn मतलब at a loggerhead, मतलब एक दूसरे के बीच में 36 का आंकड़ा, बहुत ज्यादा लड़ाई होना। To be at daggers drawn मतलब to be in a state of conflict, ठीक है? उसको बोलते हैं daggers drawn. The five brothers were at daggers drawn, so they feel below their dignity to talk each other. अभी बिल्कुल just मैंने आपको last topic पढ़ाया, reciprocal pronoun. आपके अकॉर्डिंग वैसे रिसिप्रोकल होता है, दो के लिए ईच अदर और मैनी के लिए वन अनादर, मैंने बता दिया था तो ऐसे भी याद कर लो, 1 + 2 अदर। भाई कितने हैं, 5 हैं, मतलब मैनी है, और कौन सा रिसिप्रोकल प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो, ईच अदर। देखिए ये ब्रिटिश यूके फॉर्मल इंग्लिश कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग गुनाहे कबीरा है, आप पेपर में लिखा देख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो आप भाषा में, लेकिन यूके इंग्लिश के अकॉर्डिंग गुनाहे कबीरा है, फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग। सो क्या आ जाएगा, वन अनादर
ठीक है, द पांच भाई, द फाइव ब्रदर्स हु आर एट डैगर्स ड्रॉन, सो दे फील बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक वन अनदर, ना कि ईच अदर। आई होप आपके समझ आ गया, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा मैनी के लिए वन प्लस अदर, देख लो अनदर दो, तीन हो गया, मतलब मैनी के लिए। मैं तो बार बार ये क्या हो रहा है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनादर। अब देखो आप तो टू हो गया, तो आपसे अंधा भी बता देगा, मेरे तो चार आंख है, मैं तो बता सकता हूँ, वन अनादर नहीं होगा, ईच अदर हो जाएगा। अब ईद आ रही, बहुत सारी शॉपिंग भी होगी, याद है दैट वन दोज वन, आप तो दोज वन करके ही सारे खरीद लोगे। ऑल राइट, ऑल द ड्रेसेस, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बाउट All of it. What is गलत? All the dresses looked good, so I bought all of it. आप ये देखिए dresses, non-human subject है, non-human plural subject है, और आपने इसके लिए तो it का use कर दिया, जो कि गुनाह कबीरा है। क्या आ जाएगा? them. He, she और it का plural case है, सब का them हो जाएगा, और ये तो singular है, ठीक है। All the dresses looked good, so I bought all of them. और वैसे भी आप देखिए ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इट जो है अभी सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चलिए ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन ये तो सिंगुलर आ गया ना, और ड्रेसेस तो आपकी सिस्टर गए थे लेने के लिए, तो उसको लड़कियों को तो बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए होती हैं, तो इसी वजह से प्लूरल केस आपको लिखना है, पजेसिव वाला। अब रोजा लगने लगा, स्टमक इज रंबलिंग। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, मैं लिखता हूं सब उनके, दीज फर्म्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, व्हाट इज गलत हियर, ए बी सी और डी, दीज फर्म्स विच आर मेन सप्लायर्स, देखो विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए यूज किया गया है, These firms के लिए, as a subject काम कर रहा है, these firms which are main suppliers of the electronic components of India, कुछ आगे add भी तो करता है, relation तो show करता है, relative pronoun after all, relation बताता है, which जो है, इन firms का किसी से relation बताएगा, which are the main suppliers of components of India, अब आगे तो कोई relation है ही नहीं ना, so यहाँ पर relative pronoun की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, अब फर्जी में ही लिखा हुआ है, so ये गलत हो जाएगा, दी अगर कोई आगे सेंटेंस लिखा हुआ होता तभी तो रिलेशन शो करता, अब कोई जरूरत नहीं थी, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा ऐसे लिख दिया, दीज फर्म्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
कंपोनेंट इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि विच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं थी, अगर इसको मॉडिफाई कर रहा तो आगे कोई रिलेशन और होता भी। प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, और अच्छा कौन सा सवाल है। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। अच्छा चलिए, एक नो एरर, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। मैंने आपको है, जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी वर्ब्स होती हैं उनकी अपनी। चलिए दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, हु इन पीपल्स के लिए आ गया, डू नॉट वर्क हार्ड, और हु कैसा केस है, सब्जेक्टिव केस है। अच्छा पीपल्स प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई वर्क हार्ड, ठीक है। दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वेरी गुड, ये भी तो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये भी सब्जेक्ट है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। हु के लिए चलिए हु सब्जेक्टिव केस था, इसके लिए पूरी ये वर्ब आ गई, दे सब्जेक्ट था, दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, चलो ये वर्ब आ गई। अब इस दोज पीपल की वर्ब कहां है, इस दोज पीपल की वर्ब क्या है, तीन सब्जेक्ट हो गए आपके पास, वर्ब तो दो ही है, और आफ्टर ऑल रिलेटिव प्रोनाउन तो दोज पीपल के लिए यूज किया गया है। सो ये जो दोज पीपल है ये तो सब्जेक्ट का इस सेंटेंस का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, और हु भी एक इंटीग्रल पार्ट हो गया इसका। सो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया, नहीं आ गया, दे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इसकी कोई वर्ब नहीं है। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, आप इसको ऐसे देखिए, दोज पीपल डू नॉट सक्सीड इन लाइफ हु डू नॉट वर्क हार्ड। क्या यहाँ पर ये जो दे एज ए सब्जेक्टिव केस प्लूरल सब्जेक्टिव केस लिखा गया है, इसकी कोई वर्ब है, नहीं है, तीन सब्जेक्ट्स हैं और दो वर्ब हैं, दे की नहीं है, तो यहाँ पे ये दे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, इसकी कोई वर्ब नहीं है। दो सिंपल सी बात ये है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड, बस या फिर आप देख लीजिए जैसे भी आप पढ़ना चाहें। तो तीन सब्जेक्ट थे, दो वर्ब थे, यहाँ पर वहाँ एक दे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, ठीक है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग, चलो एक बार फिर से अजनबी। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून एंड टू लेट राम एंड आई हाँ मुस्कुरा लो द प्रिंस मैं टू लेट राम एंड आई और देख लूँ क्या लिखा हुआ है। एक तो मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, गो आउट द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट राम एंड आई गो आउट। अरे सर आपने तो डॉग वेरिज्म कर दिया,
ये तो प्रिंसिपल लिख दिया, डॉक्टर याद आ गया, मुझे भी पता है मैंने जानबूझ के लिख दिया था ये, माशाल्लाह जैसे नजर लगा ली थी चार आंखों से वो तो ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट राम एंड आई। लेट क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राम इज अ नाउन हियर वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, अब एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आई सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ आई नहीं होगा मी हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया, ये बार बार मेरे पैरों में किस तरीके से आ जा रहा है। चल ये तो One of them forget to take their passport. One of them, ये बहुत प्यारा सा सवाल है, सवाल करें। One of them forgot to take their passport. And found अच्छा एंड फाउंड, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा टफ बना देता हूँ, एंड फाउंड पता क्लोज टेस्ट में ऐसे करके आ सकते हैं। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक पासपोर्ट एंड फाउंड इन द ट्रबल, इन द हॉट वाटर लिख दो, द हॉट वाटर। चलिए टूटे ऑप्शन लिख देते हैं, देम से यहां लिख देता हूं सी। Him her one of them forget to take passport and found in the hot water। चलिए अब जल्दी से एक बार have a look और कौन सा है, एक ऑप्शन और, वन मोर ऑप्शन, वन मोर, ये वाले सी की जगह डी कर देते हैं, वंस एंड वन सेल्फ। बहुत प्यारा सा सवाल है, अच्छा तो देखो, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक पासपोर्ट एंड फाउंड इन हॉट वाटर, क्या आएगा? दे आर देम सेल्फ, हर हर सेल्फ, हिज हिम सेल्फ। अब मैंने आपको वन के स्पेशल केसेस बताए थे कि वन जो है वो एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ऐसा सब्जेक्ट भी यूज हो जाता है, बिल्कुल जब वन वन वंस वन सेल्फ ऐसा सब्जेक्ट भी यूज हो जाता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। फिर मैंने ये बताया था कि वन कहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहा हो रहा है, अगर सब्जेक्ट की बात तो हमेशा वर्ब आती है, अगर वन कहीं सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो तब उसके अपने स्पेशल केसेस आएंगे, उसके बाद वर्ब आती है। वन शुड डू वंस ड्यूटी होता था तो वन के जस्ट बाद सब्जेक्ट आ गया, मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। फिर मैंने बताया वन ऑफ हिज ब्रदर गेट्स हिज ड्रीम जॉब, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक, बहुत सारे थे उनमें से कोई एक भूल गया, सो ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि 10 लोग थे, 5 लोग भूल गए, यहां पे ये भी तो हो सकता है, टू ऑफ देम भी हो सकता है, थ्री ऑफ देम, फोर ऑफ देम, ये भी तो हो सकता है, मतलब एक की बात हो रही है उनमें से। अब यहां पे वन एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन वर्किंग एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है, मतलब बल्कि वन को एज ए न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज किया गया है, नंबर की तरह यूज किया गया। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक, अच्छा
पासपोर्ट क्या है? नाउन है, पासपोर्ट नाउन है। अब रिलेशन दिखा रहा है कि उनमें से कोई एक ऐसा भी हो सकता है अपना पासपोर्ट भूल गया एंड फाउंड इन द हॉट वाटर। अब बात ये आती है देयर, तो एक भूला है, देयर तो नहीं आ सकता, सबके सब नहीं भूले, क्योंकि अब हमें यहाँ पर जो एडजेक्टिव लेके आना है वो वन के अकॉर्डिंग लेके आना है, ठीक है। अब मैं वंस कर दूं यहाँ, वंस पासपोर्ट गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर वन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया बल्कि नंबर की तरह यूज किया गया उनमें से कोई एक। चलिए तो वंस तो नहीं कर सकता, ये वाली कंडीशन खत्म, क्योंकि वंस तब करते जब वन को इनडेफिनिट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया। अच्छा देयर हमेशा देखिए एक भूला है, देयर तो मैनी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, देम को देख के देयर नहीं लगा सकती, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये वाला गलत, देम सेल, हर हर सेल्फ हिज या हिम। अब दो ऑप्शन बचे, हिज या हिम, और एक पांचवा ऑप्शन और लिख देते हैं, हिज हिमसेल्फ, ये ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था कि जब जेंडर के इधर फैक्ट की बात हो, मतलब जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो, जहां आपको ये पता नहीं हो कि मेल है फीमेल है, उस केस में आप किसको प्रेफरेंस देते हैं? मेल जेंडर को। सो हर तो ये वाला भी खत्म, अब बचा हिज और हिमसेल्फ, ये दो बच्चे। चलिए हिज लिख देता हूं यहां पर, तो हिज आएगा, लेकिन यहां कहा क्या आएगा? तो भाई वो अपना पासपोर्ट भूला है तो खुद को परेशानी में डालेगा ना कि किसी और को, एक्शन खुद उस तक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, मतलब परेशानी में वो खुद आ जाएगा, एक्शन ट्रांसफर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की जरूरत, वर्ब की बात, तो ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट का एक्शन ट्रांजिट हो जाए किसी दूसरे पर, अब वो परेशानी में तो खुद आएगा, एक्शन तो खुद उस तक रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो उस केस में आप ऑब्जेक्टिव केस हिम तो नहीं ला सकते। क्या बचा? रिफ्लेक्सिव केस लेके आना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि सामने तो बैठे नहीं हुए वो हो, वन के अपने स्पेशल केसेस होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन है वन, और ये सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है, इसके अपने स्पेशल केसेस वन वन वंस वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव केसेस हो गया, ये पजेसिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, यही कंडीशंस आती हैं कब? जब वन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया हो, और वो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जस्ट उसके फौरन बाद वर्ब आएगी तो आप वहां पर वन के स्पेशल केसेस लगाएंगे, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस दैट वगैरह वगैरह, ठीक है। यहां पर वन जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया बल्कि न्यूमेरल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, उनमें से एक भूल गया, ऐसा भी तो हो सकता है उनमें से दो भी भूल सकते हैं, तीन भी भूल सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द फॉरगेट टू टेक, अब फिर बात ये आती है उनमें से एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, तो अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे? मेल को, टू टेक हिज पासपोर्ट, ठीक है, तो यहां पर हिज पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, पासपोर्ट नाउन है, अभी मैं एडजेक्टिव वाले में बताऊंगा, जो भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। एंड फाउंड हिम, अब यहां पर चलिए क्वेश्चन आता है, हिज तो आपने दे दिया कि बाकी सारे एलिमिनेट हो गए कॉमन सेंस से और थोड़ा ग्रामर से, अब हिज और हिमसेल्फ, हिज और हिम बचा, अब वो खुद को अब परेशानी में डालेगा, डाला है ना उसने, किसी और को तो नहीं डाला, मतलब उसका एक्शन जब वो बिकॉज ऑफ वो पासपोर्ट भूल गया, गला खुश हो गया मेरा, पासपोर्ट जब वो भूल गया तो अब वो खुद को अपनी परेशानी में डालेगा, किसी और को तो डालेगा नहीं, तो अब रिफ्लेक्शन खुद वापस सब्जेक्ट तक जा रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? हिमसेल्फ कर दूंगा, सो हिमसेल्फ, ठीक है, ये वाला। आई होप आपके समझ में आ गया, बहुत प्यारा सा सवाल था। दिल नवाजी की मैं तुमसे, दिल नवाजी की मैं तुमसे।
एक वर्ड मुझे याद आया, बता देता हूँ, क्यूलिनरी, क्योंकि उधर अपन चिपका दिया। रिलेटेड टू कुकिंग क्यूलिनरी बोलते हैं। The master did not know who of the servant, the master did not know who of the servants broke the expensive dinner set. चलिए, क्या गलती है? The master did not, एक no error वाला है, ABCD. Who the servant broke the expensive dinner set. याद आ गया, माशाल्लाह। Who relative pronoun, master human है। Humans के लिए तो सर ने बताया था कि who को as a subjective case में use करना, master को पता नहीं है, master ही subject है, बिल्कुल सही हो गया, so no error और answer सही। मैंने ये भी तो बताया था कि अगर choice वाली condition आ जाए, so irrespective of the subject or rather I should say the antecedent for which the relative pronoun is being used, आपको उस केस में सिर्फ और सिर्फ विच का यूज करना है, चॉइस वाली केस में। अब मास्टर को तो पता नहीं है कौन से सर्वेंट ने तोड़ा है, चॉइस है ना, so, अब आप विच का यूज करेंगे। हालांकि मास्टर यहां पे ह्यूमन एंटीसीडेंट है, लेकिन अब चॉइस की बात आ गई। अगर चॉइस हो जाएगा फिर चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, आपको यूज करना है विच। और अगर ह्यूमन हो, कोई चॉइस की बात नहीं है, तो आप हु का यूज कर दो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आप होम का यूज कर दीजिए, और पजेसिव केस में आप हुज का यूज कर दीजिए। बस इतनी सी बात है। He is the person whom everyone thought, has stolen the ring. टाइटैनिक मूवी में वाला है, ठीक है। ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। किताबों में रोल दिया होता है माशाल्लाह कि हु के बाद वर्ब आती है और हुम के बाद वर्ब नहीं आती। अब देखो इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही मुझे, गलती है He is the person whom everyone thought, मैं ऐसे करके लगा भी देता हूं। आपने किसको यूज किया? Whom यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है who का, किसके लिए? पर्सन के लिए यूज किया है। यही वो आदमी है जिसको everyone thought who has stolen the ring,
रिंग को स्टोल करने का काम वो आदमी कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है तो आपको उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला लेके आना पड़ेगा, और ये यहाँ पर हो गया गुनाह कबीरा, और यहाँ ले आया हु, क्योंकि हु वही आदमी तो चुराने का काम कर रहा है, एवरीवन थॉट, वो तो सिर्फ थॉट कर रहे हैं, ठीक है सोच रहे हैं, लेकिन काम चुराने का कौन कर रहा है, आदमी ने खुद किया है, तो अब आपको रिलेटिव प्रोनाउन हुम नहीं हु का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ही तो चुराएगा, ठीक है, एवरीवन थॉट कि वो चुराया है, ठीक है, तो काम चुराने का उसने किया है, अब आप हुम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हुम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव में तो चुराने का काम वो नहीं करता, लेकिन चुराने का काम वो कर रहा है यहां पर, काम ऐसे लिख देता हूं, वर्क ही कर रहा है, तो ही के लिए जो आप सब्जेक्ट हो गया यहां पर, तो उसमें आप सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन हु लेके आएंगे, और आपने तो वहां हुम लिख दिया है, जो कि गुनाह कबीरा है, और रोजों में तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अब दो सवाल और, हम बहुत थक गए, आज दो घंटे की क्लास हो गई। मैं देख लूँ अच्छा सा, देयर इज नन, हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर, कैरियर नहीं करियर, चलो व्हाट इज गलत है यार, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर, इसमें तो देखने में मैं वो भी नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने मार्क करके कह दिया, आप गलती बता दो तो आवाज ही नहीं आएगी मुझे तक, देखो देखने में तो कोई गलती नहीं लग रही, अभी देख लो, द गलती इज हेयर, आपको मैंने बताया था, नन, एवरीवन, नोबडी, अ लिटिल फ्यू, द फ्यू, ठीक है, दैट वाला केस बताया था आपको, कितने सारे बताए थे, ठीक है, एक बार इसी का अब याद होगा, दैट जब ह्यूमन नॉन ह्यूमन आ जाए, फिर नन, एवरीवन, नोबडी, एवरीबडी, अ फ्यू, द लिटिल, ठीक है, इन केसेस में दैट का यूज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दैट का यूज, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद दैट का यूज, नन वाला भी तो उसी कैटेगरी में है, देयर इज नन, तो अब तो इसमें आपने हु का यूज कर दिया, गुनाहे कबीरा, सही आंसर होगा दैट, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर, ठीक है, सो दैट का यूज आपको पता होना चाहिए, ये वाले वर्ड भूल मत जाना, सिर्फ कॉपी में लिख के भूल जाओ, आपको पता भी होना चाहिए, बहुत ही छोटा सा एरर है, लेकिन अगर पता नहीं होगा तो तोते उड़ जाएंगे आपके। मैं लास्ट और देख लेता हूँ, वैसे आपके पास ये पहुंच गई होगी, मैं इसमें से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 23, पीडीएफ में देख लेना, स्पॉटिंग द एरर्स प्रोनाउन बेसिक में, दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, सेड द लीडर ऑफ द क्रिमिनल, गलती क्या है, एक क्रिमिनल्स का लीडर है, वो कह रहा है वो लोग जो वहाँ खड़े हुए उनको यहाँ मूव नहीं करना, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, और यहाँ पर उन्होंने दे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर दिया है, तो दोज हो जाएगा, दोज हु आर इन दिस रूम, वो लोग जो यहाँ पर हैं, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा ना, लीडर ने कहा है, तो डिमोन्स्ट्रेट ही करेगा उनको देख के, और यहाँ तो दे ऐसा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर दिया है, मैंने बोला ना दो कराऊँगा, एक और लास्ट, अच्छा सा देख लूँ कोई,